जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट भी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम साथ में LCM निकालना भी सीखेंगे। कई बार आपने बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा जिसमें जब भिन्न का जोड़ किया जाता है तो वहाँ पर आपको LCM नहीं बताया जाता है, डायरेक्टली LCM लिख दिया जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समस्या नहीं होने वाली है, आपको साथ में LCM भी हम करके यहीं पर दिखाएंगे। जिनको LCM नहीं आता है वो भी यहां पर सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न भी दो प्रकार की है। यहां पर पहली जो भिन्न है इसमें देखिए आपको जो हर है, हर जो है वो समान मिलेगा, और दूसरी जो मिश्रित भिन्न में है इसमें आपको हर समान नहीं मिलेगा। तो दोनों को आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिश्रित भिन्न का जोड़, ठीक है, इन दोनों भिन्नों का हम जोड़ सीखने वाले हैं। तो पहला जो सवाल है इसमें क्या दिया हुआ है, 2 सही 3/5 प्लस 4 सही 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनका जो हर है वो समान है, तो ऐसी भिन्नों को जोड़ना बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको LCM लेने की जरूरत नहीं होती। इसको कैसे करना है देखिए समझते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 2 सही 3/5, अब देखिए मार्कर कितना अच्छा चल रहा है, वैसे चलता नहीं है, 2 सही 3/5 हो गया, इसके बाद में प्लस 4 सही 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 4 सही 2/5, ठीक है। अब देखिए दोनों का जो हर है वो समान है, ऐसी भिन्नों को आपको बहुत आसानी से हल करने में मज़ा भी आएगा। अभी आपको देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको सरल बनाना है। सरल कैसे बनेगी देखिए, मान लीजिए कोई भिन्न है 1 सही 1/2, ये मान लीजिए कोई भिन्न है, तो इसको सरल कैसे करेंगे, 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें करना है और इसको जोड़ देना है, तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और नीचे जो है वही आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 सही 3/5 इस तरीके से है, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले और इसका गुणा करना है, कितना हो जाएगा 5 दुनी 10 और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10 और 3 13, तो ये हो जाएगा 13/5, ठीक है। तो इस प्रकार से भिन्नों को क्या करते हैं, सरल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी सरल करेंगे अभी हम। यहाँ पर देखिए 2 सही 3/5 है, इसको सरल करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 5 दुनी 10, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/5, ठीक है, नीचे जो है वही रहेगा, ठीक है, 13/5 हो गया। इसके बाद में प्लस यहाँ पर 5 चौके 20, 20 और 2 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 22/5, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही सीधा साधा सवाल बन गया, अब इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब आप सोच रहे होंगे LCM लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लेना है, आपको क्या करना है देखिए, नीचे जो संख्या है उसको सेम लिख दीजिए, देखिए दोनों के नीचे क्या है 5 है, तो 5 लिख दिया, ऊपर क्या है इन दोनों को जोड़ दो, तो 13 और 22 को जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए 3 और 2 ये हो जाएंगे 5 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो ये हो गया 35, 35/5 ये आपका आंसर आ गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे वाह यार क्या स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, इसी स्कीम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया है, इतने ही आसान तरीके से आपके सभी सवालों के आंसर आने वाले हैं। चलिए इसी टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए हमें कोई दूसरा सवाल दिया हुआ है, मान लीजिए 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/3, ठीक है, हर हमें समान लेना है, ठीक है, दोनों का हर समान है। अब इसको कैसे करेंगे, 3 दुनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7, नीचे कितना आएगा 3 आएगा, प्लस यहाँ पर 3 तिरका 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10/3। अब ये हमारा क्या बन गया, एक सरल भिन्न के रूप में आ गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, अब तो डायरेक्ट इसका आंसर भी हम लिख सकते हैं, देखिए नीचे कितना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ऊपर को आप जोड़ दीजिए 10 और 7 कितने हो जाएंगे 17, तो ये हो गया 17/3 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ऐसा सवाल जब भी आएगा आप डरेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि भाई यहाँ पर हर समान है, हर लिख देंगे और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब जो दूसरा वाला है इसमें हर समान नहीं है, इसमें आपको LCM लेना पड़ेगा, चलिए इसको करते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरा वाला क्या है, देखिए 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 5/3 प्लस 6 सही 1/5, यहाँ पर क्या है इसके साथ में एक अलग से एक और संख्या होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या है देखिए 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 5/3 प्लस 6 सही 1/5, ठीक है।
अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे देखिए। सबसे पहले तो हम इसको सरल बना लेते हैं, सरल बनाने के बाद में फिर ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो सरल बनाएंगे कैसे, देखिए दो का गुणा तीन में करेंगे कितना हो जाएगा, दो तीन छः और एक कितना हो जाएगा सात, तो ये हो गया सात और नीचे दो है तो बटे में आ जाएगा दो, ठीक है, सात बटे दो हो गया। इसके बाद में ये हो गया प्लस तीन दुनी छः, छः और पाँच कितने हो जाएंगे ग्यारह, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्यारह बटे तीन। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए पाँच छक्का तीस और एक कितना हो जाएगा इकतीस, तो ये हो गया इकतीस बटा पाँच। अब देखिए लेकिन यहाँ पर हर समान नहीं है, हर समान होता तो डायरेक्ट आप आंसर बता देते कि इसका आंसर ये होगा, अब हर तो समान है नहीं। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका निकालेंगे, हरों का, ठीक है। हर क्या है, दो तीन और पाँच, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो तीन और पाँच, ठीक है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देंगे, चाहे इनमें से एक ही संख्या क्यों ना डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो से भाग देते हैं, दो एकम दो तीन में नहीं जाएगा, तीन को छोड़ देते हैं, पाँच में नहीं जाएगा, पाँच को भी छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है, अब क्या करेंगे, दो से बड़ी एक संख्या तीन, अब तीन से काट के देखिए तीन से एक संख्या कट जाएगी, चलिए तीन से लगाते हैं, एक को जैसा का तैसा लिखेंगे, तीन एकम तीन पाँच नहीं जाएगा तो पाँच को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब पाँच से लगा देते हैं, एक एक और यहाँ पर पाँच एकम पाँच, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं इनका हम गुणा कर लेंगे और यही क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो पाँच तीय पंद्रह, पंद्रह दुनी तीस, ठीक है। तो जो तीस आया है ये क्या है, हमारा एलसीएम है, ठीक है। तो ये हो गया तीस। अब क्या करना है, हम इसका भाग लगाएंगे इसमें, ठीक है, इसका भाग लगाएंगे इसमें, कितनी बार जाएगा, दो से तीस में भाग लगाएंगे पंद्रह बार जाएगा, ठीक है। तो जो पंद्रह आया है इसका भाग इसमें लगाया, क्या आया, पंद्रह। अब इस पंद्रह का हम गुणा कर देंगे ऊपर इसमें, ठीक है, नीचे वाले का भाग लगाएंगे इसमें, जो आएगा उसका गुणा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर पंद्रह गुणा सात हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, प्लस, अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करना है, इसका भाग लगाएंगे इसमें, कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब इस 10 का गुणा ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 गुणा 10, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करना है, इसका गुणा, इसका भाग करेंगे इसमें, कितनी बार जाएगा, 5 का भाग करेंगे 30 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार। यहाँ पर आ गया 6, अब इस 6 का गुणा ऊपर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 31 गुणा 6, ठीक है। अब इसको हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि भैया इसका आंसर ये होगा। तो 15 और 7 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 5 सत्ते 35 की आ जाएगी 5, हासिल आ जाएगा 3 और 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि 105 आ गया, ठीक है। इसके बाद में प्लस 11 और 10 का करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। प्लस 6 और 31 का करेंगे क्या आ जाएगा, 6 एकम 6 और तीछिंग 18, 186 आ गया, ठीक है, बटे यहाँ पर 30। अब सभी को जोड़ लीजिए और नीचे आ जाएगा 30। चलिए तो जोड़ते हैं, तो देखिए 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा और 5 कितने हो जाएंगे, 6 और 5 11, तो 11 की आ जाएगी 1 और यहाँ से ला जाएगा 1, ठीक है। तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 0 कितना हो जाएगा, 10 ही होंगे, तो यहाँ पर 10 की आ जाएगी क्या, 0 और यहाँ से ला जाएगा 1, ठीक है। 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 401 बटे 30, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब आप चाहें तो इसको और भाग लगा सकते हैं, अगर ये कटेगा तो, वैसे ये कटेगा है नहीं, दशमलव में आएगा तो दशमलव में आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इतना भी इसका आंसर चल जाएगा अगर आप इतना इसको चलाना चाहें तो, ठीक है। तो इस प्रकार से मिश्रित भिन्न का जोड़ किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।